नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। महाराष्ट्र में मंगलवार को बैठकों का दौरा जारी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट विस्तार के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग बुलाई। डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 8 विधायक इसमें पहुंचे हैं। शरद पवार ने भी एनसीपी दफ्तर में नेताओं की मीटिंग बुलाई है। शरद वाई बी चौहान सेंटर यानी पार्टी दफ्तर के लिए रवाना हो चुके हैं। पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले यहाँ मौजूद हैं। शिवसेना ने भी आज एक मीटिंग बुलाई है। कांग्रेस भी नेता प्रतिपक्ष को लेकर बैठक कर रही है। उधर अजित पवार के नए पार्टी दफ्तर पर भी मंगलवार को हंगामा हुआ। समर्थकों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने उन्हें दफ्तर की चाबी नहीं सौंपी, इसलिए गेट को धक्का मारकर खोला गया। सोमवार को एनसीपी से निकाले जाने के बाद अजित ने अपनी नई पार्टी बना ली है। उन्होंने आज नए दफ्तर का उद्घाटन भी किया। प्रफुल्ल पटेल का दावा है कि 53 में से 51 विधायकों ने शरद पवार से कहा था कि एमवीए सरकार गिरने के बाद भाजपा के साथ हाथ मिलाने की संभावना तलाशी जानी चाहिए। जयंत पाटिल भी इनमें से एक थे।